नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां यूपी में आज से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सरकार सब्सिडी देगी। लखनऊ में सात कालिदास मार्ग पर आयोजित कार्यक्रम में योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान 50 बसों, 38 इंटरसेप्टर और 12 वैन को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में सीएम योगी के अलावा परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह व अन्य नेता और उच्च अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि सीएम योगी ने इससे पहले अक्टूबर माह में परिवहन निगम की 51 बसों को हरी झंडी दिखाई थी। इस दौरान उन्होंने परिवहन निगम को प्रदेश के अंदर रीढ़ की हड्डी कहा। सीएम ने कहा कि पहले परिवहन के लिए परिवहन निगम की बसें ही एकमात्र साधन होती थी। गांव शहर हर जगह यूपीएससी आरटीसी की बसें ही चलती थी, लेकिन अब दायरा बढ़ रहा है। वहीं कार्यक्रम के दौरान 4100 इलेक्ट्रिक वाहन के मालिकों को सब्सिडी जारी की गई। इससे लखनऊ के लगभग 600 ईवी मालिकों के खाते में सीधे राशि पहुंचाई गई। गौरतलब है कि यूपी में 14 अक्टूबर 2022 के बाद इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी जानी थी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और परिवहन विभाग के माध्यम से आज प्रदेश को बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ के लिए मारुति सुजुकी के साथ में एमओयू अभी यहाँ पे संपन्न हुआ है। परिवहन निगम की 50 बसेस को फ्लैग ऑफ करना है। परिवहन विभाग के 38 इंटरसेप्टर वाहनों और 12 पब्लिक सिटी वैन के फ्लैग ऑफ के कार्यक्रम के साथ ही यहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत जिन उपभोक्ताओं ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रय किया है, उन्हें प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले इंसेंटिव राशि का यहां पे वितरण हुआ है। इस अवसर पर इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं परिवहन विभाग को और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए अन्य जितने भी, चाहे वह मारुति सुजुकी हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी से लाभान्वित होने वाले नागरिक हैं, इन सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।